देखो भाई, हम लोग यहाँ पे जमा हुए एक दूसरे को चार्ज करने के लिए। जो आपको आता मैं सीखूंगा, जो मुझे आता आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो मेरे भाई, हम लोग इसको कैसा करें? देखो, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम करना आना चाहिए। और काम करे तो आता, कोई भी माँ के पेट से काम सीख के नहीं आया। सब दुनिया के अंदर ही काम सीखते हैं, सही है? सारा लोग यही आके काम सीखा, यही आके डॉक्टर बना, यही आके इंजीनियर बना, यही आके मैनेजर बना, यही आके बादशाह फकीर, सब यही पे बना। कोई मार्केट पेट में नहीं आया, सही है ना? सब इधर ही आके बना हुआ। तो यहाँ अब अगर काम छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन काम करने का अगर आपके अंदर हौसला है, जुनून है, जज्बा है, डेडिकेशन है, आपके अंदर वो पावर है काम करने का, खुद से बना लिया, तो फिर आप जो है चार पे भी जा सकते हैं। आप जो शेर से आप लड़ नहीं सकते, लेकिन आप शेर को कंट्रोल कर सकते हैं, समझ रहे हो? आंधी से लड़ नहीं सकते, लेकिन आंधी के अंदर आप जा सकते हैं, समझ रहे हो? आप समंदर के ऊपर जो है कितना सफर करेंगे, 24 घंटे तक तैर सकते हैं? नहीं सकते। आदमी ने जहाज बना के उसके ऊपर चलना, उसके ऊपर जो है हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लिया पानी के ऊपर। उसी तरह आज काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, काम का आपके अंदर जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए। एक मुंशी का काम, मुंशी समझते जूता बनाना, हम लोग क्या समझते बुरा काम है, लेकिन बाटा ने उसके ऊपर काम किया तो बाटा बन गया। तो उसी तरह जो है लोहे का कारोबार, यहाँ पे नवाज शरीफ जब आया बेचारा पैदल था, जीरो था, लेकिन लोहे का ऊपर का स्क्रैप जमा किया उसने, लोगों को स्क्रैप जमा करो, उसने स्क्रैप को रिसाइकिल किया और फिर वो करोड़पति बना। तो ये काम बुरा नहीं है। इसी तरह इंडिया में जो है टाटा वाले ने ये लोहे के ऊपर काम किया, वो भी टाटा बन गया, बना ना? सही। लोगों में उसी तरह जब काम छोटा बड़ा नहीं, काम के अंदर आपको उतरना है, आपकी नियत खत्म कर देना है छोटा बड़ा, आपके अंदर जज्बा लाना है, तब ये काम होगा, समझ रहे आपको? ये जज्बा आपको अंदर लाना है। जैसे टाटा ने काम किया लोहे के ऊपर, बाटा ने काम किया मुंशी के ऊपर, और अगर ये काम छोटा बड़ा होता, बाल काटने का काम छोटा बड़ा होता, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन सैलून नहीं होते। जिद्दा के अंदर बड़े बड़े सैलून है, दुबई के अंदर सैलून है, और पता नहीं अमेरिका के अंदर कितने बड़े बड़े सैलून है दुनिया में, है ना? तो लोग करोड़ों कमा रहे उसके अंदर। इंडिया के अंदर जो है तरकारी बेचते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरब के अंदर लोग ठेला लगा के बेचते ना, टमाटर बेचते, ये बेचते, वो बेचते, लेकिन इंडिया के अंदर रिलायंस कंपनी ने देखा इसके अंदर लाखों रुपए का पैसा है, उसने क्या किया, एक रिलायंस पर के एसी किसी लगा के महंगा बेचा, लेकिन साफ सुथरा लगा के एसी किसी लगा के अच्छा बेचा, लोग उसके पास आए थे, उसको करोड़ों का आमदनी आया उसके अंदर, रिलायंस के अंदर बैठे बैठे उसको पैसा आ रहा। तो काम कोई भी खराब नहीं है, काम का अंदर आपको उतरना है। जब आप काम करने उतर जाएंगे तो आपको काम बुरा नहीं लगेगा, आपको काम से मजा आने लगेगा, समझ रहे हो? काम से आपको मोहब्बत चाहिए, काम करेंगे तो काम का मोहब्बत आपके अंदर आएगी। बिल्कुल। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा सब खराब हालत में पैदा होता है, समझ रहे हैं? बच्चा बहुत खराब हालत में पैदा होता है, बिल्कुल, लेकिन माँ फिर भी मोहब्बत करती है, क्यों करती है? बच्चा है उसका, उसका बच्चा है, फिर उसके अंदर सफाई सुथरा होने के बाद सब प्यार मोहब्बत करते हैं ना, सब लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन माँ बहुत मोहब्बत करती है उसको, वैसे ही जो है चुम्मा चटा करती है, उसकी दुआ देती है माँ। माँ इसलिए अल्लाह ताला बोला कि भाई मैं 70 माँ से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, क्यों? माँ माँ है। तो आप भी माँ बाप बन के काम को अपने अंदर ले लेना है, तब आप कामयाब हो सकते। कामयाबी का राज ये है, नाकाम कामयाबी के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्यों लोग ज्यादा कामयाब होते? मिसाल के तौर पर हजार लोगों में सिर्फ 10 लोगों को कामयाबी मिलती है, जो मिलती है, क्योंकि हजार लोग या हजार कसूरदार जो लोग है ना, ये चैलेंज पसंद नहीं करते, ये चैलेंज पसंद नहीं करते, ये डर जाते भाई कैसा करूं, मैं कैसा करूं, किससे मिलूं, ये डर जाते। ये डर जो है उनको बिठा देता, निकम्मा बना देता, निकम्मा बना देता। लेकिन जो लोग चैलेंज कबूल करते हैं, ये 10,000 में से सिर्फ 10 लोग आते हैं, ये 10 लोग 10,000 चैलेंज फेस करने के बाद यहाँ पहुंचते हैं, तो वो लोग कामयाब बनते हैं। कामयाबी नाकामी में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है,
कामयाब भी नाकामी में सिर्फ थोड़ा सा का फर्क है। कामयाब लोगों ने वो किया जो नाकाम लोगों ने नहीं किया, समझे आप? कामयाब लोगों ने वो किया जो नाकाम लोगों ने नहीं किया। क्या किया? नाकाम लोग सुबह में सोते रहते, कामयाब लोग सुबह सुबह उठ जाते, नाकाम लोग चैलेंज कबूल नहीं करते, कामयाब लोग चैलेंज पे चैलेंज कबूल करते। कोई बात नहीं, हम चैलेंज कबूल करेंगे, ठंडे पानी में उतर जाएंगे, सख्त गर्मी में हम निकल जाएंगे बाहर, ये नहीं देखते, इसीलिए कामयाब होते हैं। जापान का इंजीनियर सीधा जो है फुट फुट के साथ जो है गाड़ी के अंदर घुस जाता है, इसलिए जापान तरकीब में। और जो कर रहा हो भी तरकीब में, जो नहीं कर रहा तरकीब में, आपके सामने। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको जो है मेहनत करना है, हर एक से मिलना है। एक साहब ने मेरे को बोला कि भाई मैं कैसा बिजनेस पकड़ू, लास्ट मीटिंग में मैंने उनको बोला कि भाई सुन रहे, एक साहब ने मुझे बोला मैं कैसे बिजनेस पकड़ू, मैंने उनको बोला कि भाई देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने लोग हम लोग, 10 लोग हैं, 10 या 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं यहाँ पे, हमारे सब तो हम लोग यहाँ पे है 1000 आदमी, 2000 आदमी जो भी यहाँ पे है, लेकिन ये बिल्डिंग में 1,00,000 आदमी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिल्डिंग है, सराउंडिंग में बिल्डिंग है। आप एक एक बिल्डिंग में जाना, हर बिल्डिंग में मिनिमम 25 फ्लैट तो जरूर होता है, 25 फ्लैट तो जरूर होता है जिद्दा के अंदर। एक एक फ्लैट में जाना, किताब लेके मिलना उससे, कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि भाई मेरे को नहीं चाहिए वो, आप 25 फ्लैट में आपको एक घंटा जरूर लगेगा, सुनो भाई साहब एक घंटा आपको जरूर लगेगा, लेकिन वो एक घंटे के अंदर आप 10 आदमी को आराम से मिल के एक प्रोजेक्ट सकता सकते, वो 10 में से 2 आदमी लेगा या 10 का 10 पूरा ले लेगा। इम्पॉसिबल है कि 10 का 10 ना ले, हो ही नहीं सकता, या तो 2 तो मिनिमम लेगा या 10 का 10 पूरा लेगा। बिल्डिंग में 25 आदमी है, बिल्डिंग में 25 आदमी है, रोजाना आपको जो है एक घंटा दे देना है, एक बिल्डिंग के लिए घंटा। 100 बिल्डिंग आपके आपके घर के पास बिल्डिंग है, आपके ऑफिस के पास बिल्डिंग, आप जाओ उससे मिलो, एक एक बिल्डिंग में जाओ। अभी अभी ये हज का सीजन आ, मैं पिछली मरतबा जो एक बुश वाले से मैंने मिला, मैंने बोला कि भाई तुम कितने बकरे जमा कर दो, उन्होंने बोला सर मैं 20 बकरे, मैंने बोला 20, उन्होंने सर मैं 20 की मेरी कैपेसिटी है, 20 ही लोग आते, मैं बोला भाई ये 20 वो है जो तुमको फुकट में मिल रहे हैं, 20,000 लोग तुम्हारे आस पास है, तुम जाकर उनको पकड़ो 20,000 लोगों को, कैसा पकड़ना सर, अरे बिल्डिंग में जाओ, एक बिल्डिंग में जाओ कम से कम 25 आदमी तो मिलेगा, 25 में तो 10 आदमी तो पक्का मिलेगा, पकड़ा है भाई, आपको काम के लिए अल्लाह के नाम में देना है, एक समझा, उसी तरह आपको भी काम करना है। एक बिल्डिंग में आप जाएंगे, एक बिल्डिंग में अगर आप जाएंगे तो आपको 25 में से 10 तो 100% मिल जाएंगे, हर जगह 10 मिनट का खर्चा, ये इन्वेस्ट है, टाइम आपका बेकार नहीं जा रहा, ये इन्वेस्टमेंट है आपको। और 3 साल अगर आप मुसलसल मेहनत कर लिए तो आपके लिए ये पैसिव इनकम होगा, एक्टिव इनकम नहीं, एक्टिव इनकम वो है जो आप अपना पर्सनल कर रहे हैं काम, आपको पैसा वो एक्टिव इनकम है, ये पैसिव इनकम फुकट का पैसा, यानी आपने मलकी लगा दी, छोड़ दिया एसी दुकान सारा कुछ उसका काम, तो अब आप वो पैसा आपको मिला ना भाई, आपने खाली मलकी लगा के छोड़ दिया। आप एक एक आदमी के ऊपर ऐसा मेहनत करो, इसको समझो कि भाई ये मेरा मलकी है, ये मेरा दुकान है, ये चलेगा तो मेरा बिजनेस है, उसके ऊपर मेहनत करो, उसको बोलो किधर जाना, कैसे जाना, क्या करना, किससे मिलना। जैसे मैंने आपको बताया एक बिल्डिंग पकड़ लो, एक बिल्डिंग पकड़ो, रोज आना 10 फ्लैट पकड़ो, 10 फ्लैट रजिस्टर लेके जाओ, क्या नाम है सर आपका, मोबाइल नंबर क्या है सर, क्या काम करते हैं, क्या है, पूरी कहानी लिख लो, बोलो सर मेरे पास एक प्रोडक्ट है गैरोड्रामा है, इस्तेमाल करो, आपके अंदर पूरी स्कैनिंग करेगा, जहां जहां आपके प्रॉब्लम है डिटेक्ट करेगा, जिससे फरिश्ते का असर, फरिश्ते की प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगी, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगी, गुर्दे की प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगी, क्यों, ये वो वहां पे जाके सेल की रिपेयरिंग करेगा, जब सेल की रिपेयरिंग होगी तो बीमारी खत्म होगी, बीमारी खत्म होगी तो आदमी सही होगा, ये आपको हेल्थ मिल रहा, जब आदमी ठीक ठाक होगा फिर आदमी दूसरों को बोलो, कितने दुनिया में बेचारे बीमार पड़े हुए, इस तरह जब वो जाके दूसरों को बोलेगा उसको 4 पैसे आएंगे, वेल्थ मिल रही, फिर ये आपको हलाल पैसा मिल रहा,
उससे क्या हो रहा है आपको, आपको फाइनली क्या हो रहा है, फ्रीडम मिल रहा, फाइनली फ्रीडम मिल रहा आपको, जो है आपकी लाइफ में ट्रांसफर होगा, आपके ये लाइफ में ट्रांसफर हो रहा, आपके बच्चों को, आपके वाइफ को ट्रांसफर हो रहा, तीन जनरेशन तक ट्रांसफर हो रहा, तो आपके लिए अच्छा है मेरे भाई, एक पैसिव इनकम है, क्या बोल रहा है बोलो। तो आपको सिर्फ मेहनत करना है कि याद रखो रुका हुआ पानी ठहरा हुआ इंसान है, क्या है रुका हुआ पानी, पानी अगर चलते तो रुक गया तो सड़ जाता, और आदमी अगर नहीं चल रहा मेहनत मजदूरी नहीं कर रहा तो पेट निकल जाएगा, कमजोर हो जाएगा, कमजोर जाएगा, कुछ नहीं कर सकेगा, फिर बिल चलने पड़ेगा, लोगों के सारे इधर उसको चलना पड़ेगा, फिर आने में नौबत आएगी लोग गड्ढे में डाल देंगे उसको, क्यों रुका हुआ पानी ठहरा हुआ इंसान की मौत है, बिल्कुल ठहरा हुआ इंसान को वेंटिलेटर पर लाके चलाते भाई जब तक सांस चल रही, चलो वेंटिलेटर पर इसकी सांस लगाओ, अगर आपको ताकत चाहिए, अगर आपको जो है बल कुछ चाहिए, अगर आप हिम्मत चाहिए तो काम करो, मेहनत करो, और ये मेहनत का काम है, ये आसानी से नहीं है, ख्वाब जो देखते ना, ख्वाब आदमी रात में देख रहा है वही मजदूरी कर रहा, ये ख्वाब नहीं है भाई, ख्वाब वो है जो आपको सोने ना दे, रात में सोने ना, दिन में सोने ना दे, पूरी मेहनत जिस मुस्तजी जिस जुस्तजू से आपको जब रात में भी जगाए दिन में भी जगाए, समझ आपको ऐसा काम करना का बनाया, ये होता है ख्वाब, आपको मेरे को पूरा करना है टारगेट, क्राउन एम्बेसी मेरे को बनना है, तो कैसे बनूंगा क्राउन एम्बेसी कैसे बनूंगा, ऐसे में बैठ के थोड़ा बनूंगा, नहीं मेरे बेटी के पास जाना है, मिलना है, लास्ट टाइम हमारे खुशी भाई क्राउन एम्बेसी 27 बने थे, उनको मैं उनको पूछा 10 साल उनका पीरियड लगा, उन्होंने सोचा कब सारा, उन्होंने 7 साल मेहनत करने के बाद मैं सोचा कि मेरे क्राउन एम्बेसी बनना है, 3 साल का टाइम लगा, सिर्फ 3 साल में क्राउन एम्बेसी बन सकते, आप भी सोचो, सोचने से होता है, जब आप सोचेंगे तो आप कर सकेंगे, अगर मेरे को करना है मैं सोचूंगा, मैं सोचा तो मैं करूंगा, नहीं सोचा तो नहीं कर सकता, समझे मेरी बात, अब मेरे को बिल्डिंग में टारगेट ले लिया मैं, तो मेरे को करना है तो मैं बिल्डिंग में टारगेट ले रहा हूँ, एक बार जाऊंगा, दो बार जाऊंगा, तीन बार जाऊंगा, मिलूंगा, बार बार मिलूंगा, ये मिलने से क्या होता उसके अंदर ये इसकी अहमियत पैदा होगी, उन्हें भी आएगा, उसकी फायदा होगा, मेरे भी फायदा होगा, ये टीम से काम होना पड़ेगा, अब मेरे को मैं यहीं तक चल के आ गया, अब मेरे को ये डायमंड बनना है, कैसे बनूंगा अकेले तो कर सकता हूँ, तो मैं हमारे ऊपर जो अप्लाई है उनका मैं हाथ पकड़ूंगा, उन्हें मेरे को बताएंगे और फिर मेरे को उन्हें पार कराएंगे, ये जो रास्ता है वो मेरे को पार कराएंगे, उन्हें बताएंगे मेरे को टीम कैसा बनाना है, टीम को कैसा लेना है, टीम को कैसा चलाना है, उन्हें तालीम देंगे, उनकी तालीम के बाद आप आगे बताओ, आपकी भी तालीम आपकी भी जो है बनेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते, समझ रहे मेरी बात, तो आपको क्या करना है, आपको वो करना है जो नाकाम लोगों ने नहीं किया, कामयाब अगर बनना है तो जो लोग नाकाम लोग क्या है, सौ में डेढ़ सौ होते हैं, किसी से मिलते नहीं, अपनी मन माफिक काम करते, इसमें कुछ नहीं होता, आपको टारगेट लेना, बस मेरे को करना है, करना है मेरे को, मेरे को एक दो बोलने से मतलब 10 लोगों को मिलना है, जब तक 10 लोगों को मैं नहीं बोलूंगा नींद नहीं आती, तो आपको 10,000 रुपए पक्के हो जाते, लेकिन अब मेरे को 20,000 रुपए चाहिए, 20 लोगों से मिलना ही मिलना है मेरे को, एक आदमी के पीछे में मेहनत करो, एक आदमी से 1,000 बन रहे, दो आदमी एग्जाम्पल के लिए बता दो, दो आदमी से 2,000, 2,000, 5 आदमी से 5,000, 10 आदमी से 10,000, जितने लोगों से मैं मिलूंगा, 1,00,000 कमाना तो भाई कम से कम रोजाना 10 आदमी से मिलना जरूरी है, महीने में जाकर टारगेट हो जाएगा, समझ रहे आपको, समझ रहे, तो आपको मेहनत करना है, अब मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर कोशिश करो, हफ्ते में 3-4 मरतबा चले जाओ, 50 किलोमीटर दूर पे अत्याधुनिक फैक्ट्री है, वहां पे अपने उर्दू हिंदी बोलने वाले लोग, मैं जाके उनको बताऊं मेरे को क्या मिल रहा, लेकिन लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लोग मेरे साथ जैसे आप यहाँ जुड़ रहे हैं वैसे वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता रहा हूँ, उनके भी बेचारे घर के अंदर चूल्हा जल रहा, उनके भी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो रहे हैं, हड्डियों का प्रॉब्लम, गुर्दों का प्रॉब्लम, जो फूड सप्लीमेंट है, मैं बोला भाई अपनी जो दवा दारू है आपकी वो चालू रखो, वो बंद मत करो, इसको इस्तेमाल करो, एक टाइम आएगा वो खुद ब खुद बंद हो जाएगी, क्योंकि आप ठीक हो जाएंगे, आपकी रिपेयरिंग हो जाएगी, ये ज्ञान और आत्मा ऐसा रिपेयरिंग कर देगा, अब यूज करो, फाइनली अब एक बार बता दो मेरे भाई, अगर आप सोच रहे भाई मैं जस्ट एक स्टार एजेंट बनू, एक डायमंड बनू, अब जैसा है वैसे चलेंगे तो आप आज नहीं कल करने परसों बन जाते गिरते फिरते, लेकिन आप चाह रहे कि मैं कुरान एम्बेसडर बनू, ये सोचना पड़ेगा आपके अंदर, देखो मोची का काम को बाटा ने बुरा नहीं समझा, सोचा तो बाटा कंपनी बन गई, समझ रहे हैं आप, उसी तरह
टाटा और नवाज शरीफ ने सोचा कि स्क्रैप जमा करने से बुरी बात नहीं है, उन्होंने स्क्रैप को जमा किया, लाया, रिसाइकलिंग किया, लोहे की मेहनत की, वो टाटा बन गया और इधर नवाज शरीफ बन गया, हुआ ना। उसी तरह जो है रिलायंस कंपनी ने जो है टमाटे बेचने को बुरा नहीं समझा, टमाटे आलू बैगन ऐसी चीजें लगा के ज्यादा पैसे में बेच रहा, रिलायंस करोड़पति बन गया इंडिया का, वन ऑफ द पैसे वाला आदमी हो। उसी तरह जो है जो लोग आज दुनिया में चल रहे हैं वो नेटवर्क बना के चल रहे हैं, समझ रहे आपको। आज दुनिया में कोई कामयाब है सफल है तो नेटवर्क है उनका, वो कामयाब नहीं उनके पीछे नेटवर्क है। अब मैं आज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में आज तकरीबन 60-70 लोग मेरे पास जमा है, मैं नेटवर्क बनाया, मैं मेहनत कर रहा हूँ जाके लोगों को, आओ भाई देखो अभी थोड़ा वक्त लगाओ, अभी थोड़ा इन्वेस्ट करो। देखो दो वक्त का खाना जो है ना, देखो 1500 रियाल जैसे हम इंडिया पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश के लोग वैसे ही खा के पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू खा के फेंक देते, कुछ मिल रहा उसको तंबाकू सिगरेट बीड़ी नहीं मिल रहा। ये दो वक्त का खाना 250 रियाल में नहीं आता, लेकिन 250 रियाल में आपको जो मिल रहा कैनो डरमा मिल रहा, आपको जो स्प्रे रोडा मिल रहा, टूथपेस्ट मिल रहा, शैम्पू मिल रहा, जब अपने अंदर डालेंगे अपने अंदर यूज करेंगे आपको इन्वेस्ट करेंगे अपने ऊपर, ये एक दिन में नहीं होता, करते रहेंगे आप तो एक दिन आएगा आपको 250 दिला देगा, सही है ना। मेहनत करना है, हर चीज के पीछे मेहनत है, कुछ समझ नहीं आप बोल सकते भाई। तो आप लोग भी आज आप लोग जो समझे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जुमेरात में हम लोग प्रोग्राम रखेंगे, आप लोग जरूर आइए और आप लोग जो है मेहनत करिए अपने अपने सिटी में अपने अपने जगह पे अपने अपने खानदान में, उनको बोलिए कि भाई मैं ये प्रोडक्ट मैं ये कंपनी ज्वाइन किया हूँ DXN, डॉक्टर ने सब कुछ बना के रख दिया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, खाली सामान लो बेचो, जरूरतमंद को बेचो फायदा होगा, सामान लो खुद इस्तेमाल करो, लोगों को मेंबर बनाओ जरूरतमंद, उसका भी फायदा अपना भी फायदा, अपना भी इंटरेस्ट चलता रहेगा, उसको मेंबर बना रहे उसके बेचारे को फायदा होगा, सही है। आसान तरीका है, जब आप करोगे जब आप अपने अंदर लोगे तो आपको आपके अंदर से बात निकलेगी, अब गैनोडर्मा क्या मुझे क्या मालूम, जब मैं इस्तेमाल करा तो मेरे अंदर से निकला गैनोडर्मा क्या, जब मैं स्पिरुलिना इस्तेमाल करा तो मेरे अंदर से निकल रहा स्पिरुलिना क्या है, जब मैं इनका गैनोसी सोप है टूथपेस्ट है मसाज ऑयल है जब मैं इस्तेमाल करा तो मेरे अंदर से निकल रहा उसके फायदे मेरे अंदर से निकल रहे, अगर मेरे अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ तो मेरे अंदर से नहीं निकलेगा, सही ना भाई। कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो।